नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए जैसे यूपी चुनाव आ रहा है, बहुत नज़दीक है, आज दो अलग अलग पार्टीज, दो अलग अलग आइडियोलॉजी, दो अलग अलग लीडर्स की बात करेंगे कि किसके राज्य में हो क्या रहा है, और आप कुछ सरकारें चुनने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी अगर आप इस माइंडसेट के हैं तो, अगर आप ये नज़रिया रखते हैं ये फिर या ये स्टैंडर्ड्स रखते हैं कि चुनाव में इन सब बातों का मैं ध्यान रखता हूँ, तो आपके लिए हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको लगे तो आप वीडियो शेयर कर दीजिए। दिल्ली के एक फ्लाईओवर के ऊपर, समझ सकते हैं फ्लाईओवर मतलब कितना ऊपर होता है, वहाँ पे एक रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाया गया, मज़ार बनाया गया, इस्लामिक रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाया गया। अब वहाँ पे मज़ार बनी है, वहाँ लोग इकट्ठा होना चाहते हैं, वहाँ शायद नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, वहाँ क्या पर्पस साधना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ बनी है, वो गलत जगह है, वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो डेवलपमेंट के आड़े आ रहा है, पब्लिक की सहूलियत के आड़े आ रहा है, तो कुछ लोगों ने विरोध किया, वहाँ गए, चाहते थे कि कंप्लेन हो, कुछ एक्शन हो, तो वहाँ के SHO का कहना था कि भैया ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें मत बात करिए। आप ये वीडियो पहले देख लीजिए, ये वीडियो खुद ही अपने आप में हिंदू कम्युनिटी के मुंह पे एक इतना बड़ा थप्पड़ है कि आपकी सुनने वाला स्वयं हिंदू ही नहीं है, आपकी सुनने वाला अगर कोई अधिकारी हिंदू भी है और उसके ऊपर कोई बॉस केजरीवाल जैसा कोई ऐसी आइडियोलॉजी वाला बॉस बैठा हुआ है जो अपने आप को सेकुलर मान के चलता है, तो सर आपकी सुनने वाला हिंदू भी उस डिपार्टमेंट में, उस गवर्नमेंट में नहीं बचेगा। आप वो मना कर देगा सुनने से, क्योंकि उसको पता है कि उसको आगे ऊपर जवाब देने, उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। भाई आपको एक मिनट सर की बात, अच्छे हो आदर्श नगर हूँ, चांदनी चौक में मंदिर टूटा गया, तोड़ा गया रातों रात, वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने तोड़वाया मंदिर, आप उसमें क्या कहेंगे? जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है उसमें मेरे से बात की थी, खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। आई एम गिविंग यू ए स्टर्न वार्निंग जेंटलमैन, समझ गए? आपके ऊपर एक्शन चलिए, इसलिए आपके साथ ही एक्शन लिया जा रहा है, क्या कारण है? गाड़ियों के नंबर नोट करो, सिकंदर अपनी बात रख सकते, ये लोग अपनी बात नहीं रख, इस तरीके से नहीं है, दे हैव टू टेक लीगल रिकोर्स। अपनी बात ही तो रख रहे हैं, सिकंदर की बात रखी जा सकती है, मैंने सिकंदर की पूरा यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रेज सच सेंसिटिव इश्यू इन ऑन अ रोड साइड पे। एक बात बताइए सर, दे आर नॉट अ स्टेक होल्डर ऑफ द सोसाइटी। सिकंदर जी को बुला लीजिए, हम लोग कम थे, भगा दिया यहाँ से, और यही अगर मुसलमान होते तो यहीं पे हाथ जोड़ते इनके आगे कि भैया ठीक है आप लोग करना जो भी करना आराम से करो, यहीं पर रोड रोक कर करके लोग नमाज पढ़वाते हैं, आज यहाँ पे सिर्फ शांति से आप लोग हैं, सवाल पूछ रहे हो तब आप लोगों को धक्का मार। नमस्कार, मैं और समझते, तो आपने वीडियो देखा, समझ में आया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, आंखें खुली होंगी कुछ हद तक कि आपको क्या करना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो न्यूज़ बताने वालों ये अभी की नहीं है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है कि कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर, उसने मॉस्क नहीं बोला, टेंपल नहीं बोला, रिलीजियस स्ट्रक्चर जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे आ रहा है, जो डेवलपमेंट के बीच में आ रहा है, जो रोड पे आ रहा है, कहीं पर आ रहा है, उसको रिमूव करिए। रिमूव करने के आदेश योगी गवर्नमेंट ने दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। क्यों दिया है? कि कई केसेस हैं कि स्ट्रक्चर्स के बीच में आ जाने की वजह से, कोई ग्रेवयार्ड बीच में आ रही है, कोई मंदिर आ रहा है, कोई मस्जिद आ रहा है, कुछ मजार आ रही है, आ जाने की वजह से डेवलपमेंट रुक रहा है। 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए 10-10 साल लग जा रहे हैं, क्योंकि डिस्प्यूट हो जा रहा है, मामला कोर्ट में चला जा रहा है। तो भाई अगर आप डेवलपमेंट पसंद आदमी हो तब भी आपको ये सब चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा, बीच रोड में या रोड के किनारे बड़ा सा ऐसा रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते जो लोगों के रास्ते में आए। और अगर कोई इस्लाम को मानने वाला बहुत धार्मिक कट्टर व्यक्ति, धार्मिक नहीं बोलूँगा, मजहबी कट्टर व्यक्ति अगर देख रहा होगा कि नहीं मेरे लिए मजहब बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए वो प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे ये बताइए पहले कि पिछले 2 साल 3 साल 5 साल 4 10 साल 50 साल कि बीच में अगर कोई आप स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हो ऐसी जगह पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी पे है, जो रास्ते में बीच में आ रहा है, इंटेंशन क्या थी आपकी? लैंड जिहाद अगर है तो बताइए। दूसरी चीज, क्या इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि ऐसी जगह आप कोई रिलीजियस प्रैक्टिस अपनी मत करिए जहाँ करने से किसी और को तकलीफ होती है? कम से कम ये लाइन भुनाई जाती है, अगर आप एग्री करते हो तो मानो, और अगर ऐसा है तो तकलीफ होगी लोगों को, और तकलीफ है इसलिए वो नहीं चाहते कि वो वहाँ पे हो, तो अगर आप हटा दोगे
तो भाई आपके लिए भी अच्छा, आपका अल्लाह खुश होगा और जनता खुश होगी, ठीक है। तीसरी चीज, क्या इस्लाम में ये नहीं है कि बुत परस्ती हराम है? अगर आप बॉडी भी दफनाते हो तो उसको भी ज़मीन से समतल कर देना होता है, उसके ऊपर कुछ पत्थर का नहीं बनाना है, ठीक है। मजार के आगे भी नहीं झुकना है क्योंकि वो भी पत्थर की है, ठीक है। लेकिन यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जो मक्का मदीना है, मक्का में भी आप जाते हो ना, तो वो स्ट्रक्चर भी तो पत्थर का ही है। किस मेटल का बना है, किस मटेरियल का बना है वो, जिसको आप छूते हो, जिसको आप चूमने के लिए परेशान रहते हो, जिसके अराउंड आप सर्किल लगाते हो, वो भी तो किसी स्ट्रक्चर है, वो किसी बॉडी है, कुछ कोई एलिमेंट है ना, वो कोई मेटल है ना वो, लेकिन आप करते हो। लेकिन खैर फिर भी इन टोटल हराम है, तो आपको तो गैर इस्लामिक प्रैक्टिस करनी नहीं चाहिए, तो आपको तो खुद ही स्टेप लेने चाहिए, भाई मैं इस्लामिक प्रैक्टिस करते हुए जो भी स्ट्रक्चर्स पब्लिक प्रॉपर्टी पे ऐसी जगह बने हैं जो लोगों के कंफर्ट में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, मैं उसको हटाऊंगा, तब मैं सच्चा मुसलमान हूँ, वरना मैं मुनाफिक हूँ, ठीक। तो अगर आपको ये बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ लोगों को समझ में आ गई है। अभी हाल ही में एक वीडियो थी जो दिल्ली की एक महिला थी जिसने बताया कि अभी एक दो महीने पहले ये मजार नहीं थी यहाँ पे, अब है, इसको हटाइए, ठीक है। उसने वहाँ के लोगों को अच्छे से चेतावनी दी, धमकाया, बोला ये हट जाना चाहिए, अब आगे से नहीं देखना, ये तमाम चीज़ें। अब एक वीडियो में आपको और दिखाना चाहता हूँ जिसमें कुछ सिख भाई उस मजार को तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, भाई इस्लाम के फेवर में ही वो काम कर रहे हैं। मैं तो मुझे जानता कि अगर बुतपरस्ती अगर हराम है, पत्थर के सामने झुकना हराम है, तो भाई इस्लाम के फेवर में ही काम करें, उनका विरोध नहीं होना चाहिए, उनको तो प्रेस करना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा काम है। तो आप लोग जहाँ जहाँ देखिए ऐसे स्ट्रक्चर्स, इनको हटाने का काम करिए। जनता से मेरी ये अपील है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये तो प्रो इस्लामिक चीज़ है, तो इस चीज़ का मैं बस सजेशन देना चाहता हूँ। और अब रही बात गवर्नमेंट, आइडियोलॉजी, बॉडीज, लीडर्स, इन सब के, तो आप ये समझिए कि आपको कैसा लीडर चाहिए, कैसी आइडियोलॉजी चाहिए, कि क्या एक ऐसा लीडर चाहिए कि जिसके अंडर में कोई एक कम्युनिटी उस लेवल तक मनमानी करे कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हाँ हमारा लीडर सेकुलर है तो हमें अपीज करेगा, हमारी चलने देगा क्योंकि हम उसका वोट बैंक हैं। आपको ऐसा लीडर चाहिए, या कोई ऐसा लीडर जो मजहब के नाम पे हो रही गुंडागर्दी के अगेंस्ट एक्शन ले, वाकई में ले और लेता हुआ दिख रहा हो, कट्टरपंथ चीज़ों को रोकता हुआ दिख रहा हो, दंगे ना हो रहे हों, क्राइम ना हो रहा हो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इनडायरेक्टली भाजपा का समर्थन और केजरीवाल का विरोध कर रहा हूँ, तो आपने खुद कैलकुलेट किया ये जानते हुए कि क्या हो रहा है इस तरफ और क्या हो रहा है इस तरफ। ये मैंने तो नहीं कहा कि किस सरकार में क्या हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया कि किस सरकार में क्या होगा तो आपको क्या चुनना चाहिए। मैंने ये भी नहीं कहा कि भाजपा की सरकार में क्या हो रहा है और केजरीवाल सरकार में क्या हो रहा है, मैंने पहले बताया कि कहाँ क्या होना चाहिए तो आप क्यों चुने उसको। बाकी सब कुछ आपकी चयन शक्ति पर मैं छोड़ता हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।